Wish to study and settle abroad? With India's most trusted company, more than 3,000 plus visas in the past year. Meet international delegates. Get scholarship up to rupees 40 lakhs. More than 2,000 plus programs to choose from. Awarded number one consultant by Canadian and American institutes. Visit www.landmarkimmigration.com. अमृतसर के स्थानीय हाल बाजार के नजदीक स्थित पुरानी सब्जी मंडी में 28 खोखों को अचानक भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। इस संबंधी खोखा मालिक जतिंदर भंडारी ने बताया कि आज सुबह किसी शरारती तत्वों के द्वारा उनके फलों के खोखों को आग लगाई गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहुंची। आज ईस्टर्न गार्डन में भारत बांग्लादेश के बीच डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। यह दोनों देशों का पहला टेस्ट मैच होगा, जिसके लिए पीएम शेख हसीना और भारत के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य मेहमान होंगे। गन्ने की बकाया अदायगी जारी न होने से परेशान किसानों द्वारा पिछले दो दिनों से श्री हरगोबिंदपुर टांडा मार्ग पर दिन रात दिया गया यह धरना आज तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है, जहां कड़ाके की ठंड के बावजूद चाहे किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों का हाल जानने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बात तय हो चुकी है। शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राज्य में सरकार बनाने को लेकर आज ऐलान कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नहीं मानते हैं तो पार्टी के सांसद संजय राउत सीएम बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में अगले 5 वर्षों के लिए शिवसेना ही सत्ता को संभालेगी। पुडुचेरी में आज दिल दिला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें सब इंस्पेक्टर विमल कुमार ने पुलिस स्टेशन के पास एक इमारत में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक अपराधी के साथ पार्टी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 6 कांस्टेबल निलंबित कर दिए। निलंबित कांस्टेबलों के खिलाफ ही विभागीय कार्यवाही शुरू हो चुकी है और उनको अदालत में पेश करने के लिए लखनऊ भी भेज दिया गया है। दिल्ली में पानी को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और केजरीवाल सरकार में जुबानी जंग जारी है। रामविलास पासवान ने बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुझे गाली देने की बजाय दिल्ली की जनता के लिए स्वच्छ और शुद्ध पानी की व्यवस्था करें। आर्थिक सुस्ती के बावजूद नवंबर महीने में जीएसटी रिटर्न में जबरदस्त इजाफा हुआ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार अक्टूबर के महीने में नवंबर महीने तक जीएसटी में 50% की बढ़त हुई है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के बीच आज आखिरी दौर की चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि तीनों पार्टियों में होने वाली इस बैठक के बाद सरकार गठन को लेकर आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बीते दिन फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की। ट्रंप से बातचीत में इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप को कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्वक समाधान के लिए अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए।